बगा केड़ा हाल है? ठीक हो? तबीयत सही है? ठीक ठाक हो? दोस्तों गुड इवनिंग, मैं स्वरूप खत्री आज सहरा थर में मौजूद हूँ और आज जिस दरख्त की मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही नायाब किस्म का दरख्त है। ये दरख्त इसको रोहिड़ा बोलते हैं। तीन किस्म के फूल लगते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। ये मेरे आप हाथों में जो देख रहे हैं ये है रोहिड़ो जो दरख्त है उसके फ्लावर्स हैं, उसके फूल हैं। जो यहाँ पे आपने देखा ये जानवर हैं, यहाँ के मवेशी हैं वो खाते हैं। रोहिड़ो जिसको संस्कृत में रोहिटका कहा जाता है, रोहिटका जिसकी मीनिंग होती है द हीलर। बहुत सी लिवर की जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए यह मौसर रहता है। और इसकी लकड़ी बहुत ही ताकतवर लकड़ी है इसकी, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये है रोहिड़ो की जो लकड़ी है वो बहुत ही पायदार होती है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये जो बड़ी मशीनरी होती है उसके शॉक्स बर्दाश्त करने की एबिलिटी रखती है। ये ज़्यादा वक्त तक ख़राब नहीं होती, इसको दीमक नहीं लगती। और इसके साथ साथ ये पानी अगर इसको लग जाए बारिश में ये ख़राब नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है दूसरी जो हम लकड़ियाँ अपने फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पानी में ख़राब हो जाती है, सुकड़ जाती है, फिर दरवाजे बंद नहीं होते, तो ये शिकायत इस लकड़ी में नहीं आती। राजस्थान के सहरा में, थरपारकर के सहरा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे दो कलर्स मिले थे, एक रेड मिला था एक मिला था येलो। तो हमने तलाश करनी थी ऑरेंज कलर की, वो आपको दिखाना था। तो ये है ऑरेंज कलर। ये तीनों कलर जो भी मैंने आपको बताया ये तीनों जो हैं थरपारकर में, ये तीन कलर रोहिड़े के होते हैं। तीनों कलर थरपारकर, इंडिया, ओमान और जो भी नॉर्थ ईस्ट की जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं।